इतनी बड़ी पिंपल मेरे फेस में, मैं अब क्या करूं? क्या हुआ, क्या हुआ था? ये इतना जोश चिल्ला क्यों रहा है? मैं कितनी गंदी दिख रहा हूँ, और मैं अभी क्या करूं? क्या हुआ बेबी, इतनी जोर से चिल्लाया क्यों तुमने? क्या हुआ तुम्हें? तेरी बेबी को ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पिंपल हो गया है, इस वजह से इतने जोर से चिल्लाया हुआ है और पूरी पार्लर को सर पे उठा रखा है। उसकी शादी है ना, उसके पिंपल आ गए थे इस वजह से। पर ताई कोई ना, ये पिंपल है, इसको मेकअप से छुपा जा जा सकता है, तो इतना टेंशन तुम इतना क्यों ले रही हो? चिल करो, आज तुम्हारी शादी है, इतनी पैनिक मत हो, ठीक है? इसको मेकअप में हम रिमूव कर लेंगे, कोई ना। वही ना ताई, इतना पैनिक मत है, वो ठीक हो जाएगा, इसको हम मेकअप में रिमूव कर लेंगे। तो मैं तेरे को इतने देर से वही बोल रहा हूँ, तो पैनिक होता जा रहा है, मेरे पापे नहीं सुन रहा। सुन ले, अभी रोना बंद कर ले। पर दीदी ऐसा नहीं होता, मैं कितने अजीब लगूंगा ना, देखो कितना बड़ा पिंपल है, मेरे फेस कितनी अजीब लगेगी ना, मैं भूत नहीं लगूंगा ना, इसे कैसे मैं नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम चले जाओ, मैं आज नहीं शादी करने वाली। पर बेबी तुम इतना सैड मत हो, ठीक है? वो पिंपल है, पर तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो कि पिंपल कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा। तुम बहुत प्यारे लग रही हो, तुम टेंशन मत लो, अब शांत हो जाओ। पर ऐसे कैसे शांत हो जाओ, ये देखो ना कितनी बड़ी पिंपल है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम चाहते हो कि मैं गंदे देखो, इस वजह से तुम बोल रहे हो ना, तो अब मेरे को प्यार नहीं कहते ना, इस वजह से तुम बोल रहे हो। मेरे को पता है मैं बिल्कुल गंदी देखूंगा इसमें, मैं कैसे जाऊँगा शादी में? नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। पर बेबी तुम्हें कौन बोला कि तुम सुंदर नहीं दिख रहे हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहे हो, तुम सबसे प्यारी हो, इसे कौन बोला? मैं उसके नाम तो सुनूं? तुम तो मेरी चांद हो, ये ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बिना मेकअप के भी बहुत प्यारे लगते हो। ये तो एक पिंपल है, छोटी सी है, ये कुछ तुम्हारी सुंदरता को थोड़ा ना कम करेगा। तुम ज़्यादा पैनिक मत हो, शांत हो जाओ, शादी है, रिलैक्स करो और रेडी हो शादी के लिए। इतना कुछ नहीं है ये बड़ी बात, तुम मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ओके, तुम रेडी हो और पैनिक मत हो, शादी के टाइम पास आ रहा है, तुम्हें रेडी होना चाहिए, तुम तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी शांत हो जाओ और शादी के लिए रेडी हो, नहीं तो अच्छी नहीं दिखोगे। तुम और भी ज़्यादा रोगे तो देखो तुम्हारे आईज़ के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगी, तो ऐसे मत हो, अभी शांत हो जाओ। ओके, इसका मतलब ये बोले तुम कि डार्क सर्कल आ जाएगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगा ना? अब मैं तो तुम्हें अच्छी भी नहीं दिखती हूँ ना, पिंपल मैं भी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, डार्क सर्कल में मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, तो मम्मी मेरे को बहन नहीं कहते ना। ओके, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी बना ना, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर बेबी ऐसे कुछ भी बात नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैंने ये सब कब बोला? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तो बस बोला तुम शांत हो जाओ और शादी के लिए रेडी हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। तुम इतना कैसे पैनिक हो सकते हो बेबी? तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शांत हो जाओ, ऐसे मत हो। ठीक है, मैं भी शांत हो रहा हूँ और रेडी हो रहा हूँ शादी के लिए, जैसे तुम बोले हो इस वजह से, नहीं तो मैं नहीं होती। अरे बाप रे भाभी, हम तो तब से यही बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर आप हमारे बात कहाँ सुनते हो? आप तो सिर्फ आपके बेबी की बात सुनते हो ना, इस वजह से हमारे बात आपने कहाँ सुना? आपने तो आपके बेबी का बात सुना। बच्चों जो हो जाए, तुम लोग के बीच क्या बच्चों जैसे लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम लोग बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, बच्चों जैसे लड़ाई कर रहे हो। शादी के लिए टाइम भी तो जरा जल्दी जल्दी जाओ और सब रेडी हो जाओ, क्या कर रही हो? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको। हेलो गाइस, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
ऐसे सब्सक्राइब कर देना।